है। बाद में बताया जाएगा, चल बाद में, हाँ जैसा भी होगा तुझे बाद में बताया जाएगा, ठीक है, चल बाद में बात कर। हाँ चल। हाँ बात करवाता हूँ, भाई से बात करवाता हूँ। भाई वो चंदू का फ़ोन है। बाद में भाई, वो सूरज बिल्डर पैसे के लिए मस्त कर रहा है। बोला ना उसको, बोल बाद में फ़ोन करने का। बाद में बात करना तू। भाई वो अभी से बात करना चाह रहा है। ए सूरज, ये भाईगिरी अपन का धंधा है, तेरा नहीं, समझा ना? तो चुपचाप बिल्डिंग बना और मिठाई भेज इधर, साला सुबह सुबह अपन को बहुत काम होता है। आइंदा फोन किया ना तो ही टपका डालेगा तेरे को, दोबारा फोन नहीं कर पाएगा। ए फोन रख, साला एक एक लफ्ज पे एक एक लाख रुपया बढ़ जाएगा तेरे को मालूम? इस वक्त तो मिनिस्टर भी अपन को फोन नहीं कर सकता, तेरी क्या औकात है रे? ए फोन हटा रे। क्यों रे, तुम लोग को समझाया ना कि सुबह सुबह अपन को बच्चों को देखने का टाइम होता है। ए तेवर, समझाए लोग को सुबह सुबह अपन को डिस्टर्ब नहीं करने का, वरना क्या बे? इतने साल से भाई के साथ काम कर रहा है, तुझे पता नहीं है भाई को ना पेड़ पौधे काटने में टाइम लगता है, इंसान नहीं। सुबह सुबह फोन क्यों लगता है? भाई ने तेरा नाम सही रखा है फोन, जो फोन बोलेगा वही तू बोलेगा और मरेगा एड़ा कहीं का। बाड़े। हाँ भाई। ओ चिंटू का बच्चा नहीं दिख रहा है, और साला मैं दो दिन के दुबई किया गया, तुम लोगों ने पूरा घर गंदा करके रख दिया। भाई वो हम लोग ने नहीं भाई, वो चिड़िया कबूतर कौवे। उन बच्चों का नाम है चिड़िया कबूतर बोलने का नहीं। जी भाई। साला इतना बड़ा बाड़ी लेके घूमता है, भेजे में गोबर भरा है, जरा सारे वो तो बच्चे हैं, प्यार से समझाओ, प्यार से समझाओ, सब समझते हैं। सोच लेना तुम लोग। भाई वो अहमद भाई का फोन है। हाँ बोल अहमद। हाँ तू मेरे को खालिद के उधर मिल। ठीक है, उदित मांडवाली करेंगे अपन लोग, समझ गया ना? ए, कहाँ जा रहे? भाई से मिलने। चलो भाई नहीं आए। अरे भाई। ए, 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 शाने। ए, कौन है तू? कौन है तू? क्या क्या हुआ? कब से समझा रहा हूँ, पासा भाई नहीं है, ये साला समझता ही नहीं। अच्छा तू जा, तू गेट पे जा, इसे मैं देखता हूँ। ए आगे बढ़ा ना, अभी साला ठोक दूंगा इधर ही। ए शाने सुन, पाशा भाई को दिखा ना तो दुनिया में किधर भी नहीं दिखेगा। चल कल्टी हो जा, चल निकल, चल 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 जा। भाई भाई पूछ के बता रहा हूँ, भाई पूछ के बता रहा हूँ, भाई पूछ रहे क्या मतलब चल रही है? हाँ क्या मतलब चल रही है? ये लुका भाई से मिलने आया है। अरे अरे भाई, मैं एक अफ्रीका की चिड़िया। एक 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 माले माले, क्या है तू इसमें? नहीं मैं चिड़िया लेकर आया हूँ। भाई भाई तेरे को अंदर बुला रहे हैं। चल इस चिड़िया को तो मैं अंदर देखता हूँ। चल चल सुन, चल मुन्ना अंदर चल के देखना दिखाना, अंदर हो जाएगा। चल 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 चल। हाँ भाई आ रहे हैं, भाई भाई आ रहे हैं। नमस्ते भाई। हमें दिखता नहीं तुझे, भाई नाश्ता कर रहे हैं ना, चुपचाप खड़ा रहे। और क्या बोल रहा था तू? भाई मैं एक नायाब चिड़िया लेकर आया हूँ, अफ्रीका से आई है, आपको बेचना चाहता हूँ। तेरे को मालूम है अपुन कौन है? हाँ भाई है अब भाई, लेकिन राखी वाले भाई नहीं। अगर इस शहर में किसी की सरकार चलती है तो वो है आपकी। और तू मुझे बेचना चाहता है? हाँ। दम है छोकरे में, दम है। पर्दा हटा के दिखा भाई को। पर्दा नहीं हटेगा तेरी तो। तेवर
मेरे को सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहिए, पर्दा क्यों नहीं हटेगा? भाई ये चिड़िया हर भाषा में बोलती है और मैं इसे दिखा दिखा कर मामूली नहीं बनाना चाहता। ये चिड़िया बोलती है? हाँ हर भाषा में बोलती है। शाने बुलवा के दिखा इससे। ये कोई बंदर नहीं कि तुम नाचने को कहो। ए, आवाज नीचे कर। भाई आप तो चिड़िया के भगवान है और मैंने तो सुना है कि आपके घर में हर चिड़िया बड़ी हिफाजत से रहती है। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप इस चिड़िया को भी अपने घर में जगा दें। नाम क्या तेरा? राजू। राजू तेरे को मालूम है मैं चाहूँ तो चिड़िया तुझसे छीन सकता हूँ। जो देख रहा है ना एक मिनट इस पिंजरे के अंदर तेरे को बंद करके बाहर फेंक सकते हैं। भाई मुझे मालूम है आप बहुत ताकतवर है और आपकी ताकत के सामने मेरी कोई औकात नहीं। तो जास्ती बोलने का नहीं, दाम ले पिंजरा रख और फूट ले। पैसा तो मैं लूंगा पर चिड़िया मैं नहीं दिखाऊंगा, पहले खरीदो फिर देखो। दाम बोल। 10 लाख। क्या 10 लाख? एक बार बोला तो सुनाई नहीं देता। क्या बोला फिर से बोल। 10 लाख। तेरा भेजा हट गया क्या? 10 पेटी किसको बोलते हैं मालूम तेरे को? जी सरकार, हम जैसे लोग तो 10 लाख पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकते पर आप जैसे दयालु लोग तो इसे एक झटके में दान कर देते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इस शांति को अपने पास रख ले। शांति? हाँ मैं इसे शांति कहता हूँ। तो अपना नाम सुनकर ये बोली क्यों नहीं? ये जानती है अपने मालिक की भाषा, इसे पता है कि कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए। बहुत ही उंडा जीव है ये और जब तक मैं इसे कुछ ना खाऊं ये आपसे कुछ नहीं कहेगी। तेरा घर किधर है राजू? हनुमान नगर रूम नंबर 34। जी सर। 10 लाख बहुत ज्यादा है, ठीक दाम बोल। ज्यादा है लेकिन आपके लिए नहीं। एक चिड़िया के 10 लाख आज तक मैंने नहीं दिए। और आज तक आपने ऐसी चिड़िया भी नहीं देखी होगी। हाँ बोल फारूक। अरे तेवर फोन। भाई जरा इसको बच्चे से मिलवाओ, घर दिखाओ। जाओ चल दिखाते हैं। अबे ऐसी ऐसी चिड़िया है ना जिंदगी में तूने देखा होगा। और भाई की हर सुबह चिड़ियों के साथ बीतती है। कितनी चिड़िया भाई के पास? 200-300 होंगी। भाई अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मिला मेरे बच्चों से? जी। तेरी शांति जैसी बुलबुल है मेरी, वो भी 3 साल पहले अफ्रीका से लाई गई थी। देखा मैंने लेकिन शांति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बस आपके घर में बस इसी बच्चे की कमी है। तू जरा दाम ठीक बोल तभी ले लेता हूँ। पिंजरा रख, पैसे ले 2 लाख। सवाल ही नहीं उठता। 10 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगा मैं। अपने मेहनत की बोली नहीं लगाता मैं। तू बोल रहा था कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक यही चिड़िया है, दूसरी कोई नहीं, तो फिर इसे बेच क्यों रहा है, अपने पास क्यों नहीं रखता? हिंदुस्तान तो क्या पूरे एशिया में आपको दूसरी चीज नहीं मिलेगी। और रही मेरे बेचने की बात तो मैं ठहरा एक मामूली सा इंसान और मुझ जैसे के घर में ऐसी चीज शोभा नहीं देती। ये तो सिर्फ आप जैसे बादशाहों के घर में शोभा देती है। तू इसे लाया किधर से? अफ्रीका से। अफ्रीका से? हाँ। अफ्रीका से कौन दिया तुझे? ये बस मेरा एक दोस्त लेके आया। राजू मैं कब से तेरे को समझा रहा हूँ पर तू अगर टस से मस नहीं हो रहा है और जोर जबरदस्ती करना तुझसे अच्छा नहीं लग रहा है। वरना ये अर्जुन सिंह है ना किसी के बाप की नहीं सुनता। ये पिंजरा छीनना मेरे लिए बच्चों के खेल जितना आसान है। पता है मुझे पर मुझे आप पे भरोसा है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। क्या मालूम मेरा मन ये मानता नहीं कि आप मुझ जैसे आदमी से आप एक भेजवा पंछी छीनेंगे।
गफूर का फोन है। हाँ बोल गफूर। उसको बोल 2 घंटे में चाहिए वरना टपका डाल साले को। देवर। हाँ भाई। इस छोकरे ने तो अपने सारे काम बुलवा दिए। वो मिस्सा के प्लॉट का क्या हुआ? भाई छुटकू का फोन आया था, शाम तक अपने हाथ में आ जाएगा। भाई ये पैसे। ये ले, तेरे 10 लाख रुपए। भाई आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर तक नहीं भूल पाऊंगा। आप जब जब इस पिंजरे को देखेंगे तब तो आपको मेरी याद आएगी, ये मेरा यकीन है। मैं इस पिंजरे को खोलने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। हाँ लेकिन जब तक मैं यहाँ से जाता नहीं हूँ तब तक इसका पर्दा हटाइएगा नहीं, वरना ये शांति मुझे यहाँ से जाने नहीं देगी। तू बातें बहुत प्यारी करता है, हमेशा मुझे याद रहेगा। मुझे भी आप हमेशा याद रहेंगे। जितना लोग आपसे डरते हैं आप उतने बुरे हैं नहीं। मैं चलता हूँ। मेरा बच्चा पहले पहले बच्चा। हाँ भाई पर्दा खोल इसका। खोल खोल जल्दी खोल। खोलता हूँ। ये भाई 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 वो उनको बेवकूफ बना के गया है। साला पितरा खाली साले को छोड़ूंगा नहीं उसको। पकड़ो साले को, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चलो चलो चलो। हेलो, कोई कहीं नहीं जाएगा। मगर भाई भाई देखिए भाई भाई वो आज का छोकरा हम लोगों को चूना लगा के चला गया। आप बोलते कोई कहीं नहीं जाएगा। शांति है इसमें, सचमुच की शांति। आप क्या कह रहे हैं? ये पिंजरा बिल्कुल खाली है, इसमें नायाब तो क्या सादी चिड़िया भी नहीं है। तुम लोग क्या समझते हो, तुम्हारा भाई एड़ा हो गया है, पागल हो गया है? जब उसने अपना पता बताया तभी मैंने बाड़ी को उस पते पे उसके घर का राज क्या है जानने के लिए भेज दिया था। उसके घर में एक बूढ़ी माँ है, एक जवान बहन है शादी के लिए। अगर उसे पैसा नहीं मिलता तो कैसे दिलासा देता अपनी माँ को? भाई उसने बेचा क्या, ये तो खाली है, हमें उल्लू बनाया उसने। मैं तेरे को अंधा बोलता हूँ? तू सचमुच में अंधा है रे। तेरी नजर उस शांति को नहीं दे सकती जो मैं देख रहा हूं। सलाम उस छोकरे पे, आज मुझे शांति दे गया, सचमुच की शांति, सच्ची शांति।